फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार सिखाने वाला न तो कोई विद्यालय न तो कोई महाविद्यालय, इसके बाद भी हिंदुस्तान की जनता भ्रष्टाचार करने की शिक्षा कहां से ग्रहण कर लेती है, यह समझ से परे है। भ्रष्टाचार आज की तारीख में एक ऐसा नासूर बन चुका है, ऐसी समस्या बन चुकी है जिसका ग्रहण हर पंचायत पर लग चुका है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई पंचायत नहीं बची है जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। अगर एक तहसील में भ्रष्टाचार की कहानी बनाई जाए तो ऐसा कोई दिन साल में नहीं बीतेगा जिस दिन भ्रष्टाचार की कोई नई कहानी सामने ना आए। सतना जिले के अमरपाटन तहसील में पीएचई विभाग में एक नए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें स्टोर प्रभारी भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरपाटन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड अमरपाटन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लोग चोरी भी कर रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे। चोरी करने वाला अपनी गलती न मानकर सामने वाले को ही दोषी ठहराना एवं दूसरे को अपराधी सिद्ध करने में लगा हुआ है। अमरपाटन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड अमरपाटन में स्टोर कीपर राजेश मिश्रा के द्वारा अमरपाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अमरपाटन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में चोरी हो गई। अमरपाटन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्टोर के मालिक राजेश मिश्रा ही हैं तथा साथ ही कार्यवाहक उपयंत्री भी हैं। सूत्रों का कहना है कि स्टोर कीपर के द्वारा स्टोर का लाखों का माल गलाकर अपने आप को बचाने के लिए पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और बलि का बकरा छोटे कर्मचारियों को बनाने की कोशिश की जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के SDO एवं स्टोर कीपर के द्वारा इसके पहले भी PHE विभाग के पाइपों को कबाड़ के तौर पर बेचा गया है, यह कोई पहला मामला नहीं है। अमरपाटन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में न जाने कितने रुपए के कबाड़ की हेरा फेरी कर सरकारी सामान को बेचा गया है। यहां पर कैमरे भी लगे हैं, CCTV कैमरे को इसलिए बंद कर दिया है जिससे यहां आसानी से चोरी की जा सके या आसानी से चोरी पकड़ी न जा सके। SDO की मिली भगत से यह काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि थाने के सामने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का ऑफिस है जहां 8-8 घंटे की ड्यूटी 3 चौकीदार करते हैं। इन 3 चौकीदार की चौकीदारी के बाद भी माल चोरी हो जाए, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। चोरी होने के बाद 10 फुट की लगी बाउंड्री पर सामान रखकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ चोरी हुई। बाउंड्री पर सामान रख दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि वाकई में कोई चोर चोरी करके सामान काफ़ी कुछ ले गया और कुछ सामान बाउंड्री पर रख दिया, चोरी जिससे यह साबित हो सके कि यहाँ चोरी हुई। इस मामले में थाने में रिपोर्ट कर करोड़ों रुपए के पाइपों एवं कबाड़ पीतल को बेचकर चोरी दिखाई जा रही है। इसके जिम्मेदार SDO कुछ बोलने से घबरा रहे हैं। वहीं स्टोर कीपर की मिली भगत से न जाने कितने पाइप कबाड़ पीतल आदि को कबाड़ के भाव पर बेच दिया गया है। अगर इस पूरे मामले की जाँच की जाए तो यहाँ के चौकीदार से लेकर स्टोर के मालिक राजेश मिश्रा के पास आय से अधिक संपत्ति का भी खुलासा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि स्टोर प्रभारी ने हेरा फेरी कर कई लाखों का गोलमाल किया है और इससे अनैतिक कमाई कर सतना के कृपालपुर में घर भी बनवा लिया है। इसके अलावा कई बेनामी संपत्ति मिलने का भी अनुमान है। यदि अमरपाटन पुलिस के द्वारा इसकी सही ढंग से जांच की जाए तो इसकी कलाई खुल सकती है, क्योंकि स्टोर में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है जिससे चोरी होने की संभावना बहुत कम है। यदि इस पूरी चोरी की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाए तो प्याज की परत की तरह सारे छिलके उधड़ जाएंगे। PHE अमरपाटन स्टोर की चोरी वर्तमान समय में कर्मचारियों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 चौकीदार 8 घंटे की ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद भी चोरी हो जाती है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन SDO की मिली भगत से चोरी दिखाकर शासन को करोड़ों रुपया का चूना लगा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के SDO और स्टोर प्रभारी की मिली भगत से जिस तरीके से करोड़ों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है, यदि शासन
कि जिम्मेदार अधिकारी इस बात की निष्पक्ष जांच कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अमरपाटन के कई कर्मचारी इस अपराध की जद में आ जाएंगे। सूत्रों से पता चला है कि चोरी का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। इस पूरे गिरोह को जातीय तरीके से संचालित किया जा रहा है। इस पूरे मामले में SDO ने एक सजातीय ठेकेदार को पकड़ रखा है जिसके माध्यम से चोरी को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में स्टोर प्रभारी की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। यदि समय रहते मामले की जांच नहीं हुई तो इस तरीके की और बड़ी चोरियां भविष्य में संपादित हो सकती हैं। अमरपाटन से विशाल खबर के संवाददाता कृपा शंकर तिवारी की रिपोर्ट।